स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमको बहुत ही कम समय में सिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार की फोटो एडिटिंग। देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का ब्लू है, और जो यहाँ बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर का जो ग्रास है यह भी आपको थोड़ा ग्रीन करके डार्क ग्रीन है। तो यह बहुत ही वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, ये बहुत ही छोटा होने वाला है। इस वीडियो में आपको खूब बहुत ही बारीकी तरीके से बताने वाले हैं कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, तो बिना देर के वीडियो को हम यहां से स्टार्ट करेंगे और चल देंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, हम आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गैलरी को ओपन करना है और हमें कोई सा भी एक फ़ोटो को ले लेना है जिसे हमको एडिट करना है। चलिए हम एक कोई सा भी फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम आज ये फ़ोटो को लेते हैं। इस फ़ोटो को लेने के बाद इस फ़ोटो को आपको शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के लिए आपको यहाँ लास्ट वाले शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको साइड करके आना है जहाँ आपका लाइटरूम ऐप है, तो आपको उस पर लाइटरूम ऐप पर टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको एडिट इन लाइटरूम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका फ़ोटो डायरेक्ट लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा फ़ोटो लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर हो चुका है और आपको इधर की ओर एडिटिंग के सारे ऑप्शन भी खुल चुके हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो में लाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइट वाले आइकन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको साइड करके आना है सबसे लास्ट की ओर। जो लास्ट में ब्लैक्स का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है, 31 करके रख लेना है। जो व्हाइट का ऑप्शन है इसको भी आपको प्लस करना है, 28 करके रख लेना है। आपको 28 करके व्हाइट और ब्लैक्स आपको माइनस 21 करके रख ले 31 करके रख लेना है। उसके बाद जो शेडो का ऑप्शन है इसको आपको प्लस की ओर कर देना है, प्लस आपको 37 करके रख लेना है। जो हाईलाइट का ऑप्शन है इसको आपको प्लस इसको भी आपको प्लस करना है, इतना आपको प्लस करके रख लेना है। जो कंट्रास्ट का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, आपको कुछ इतना करके रख लेना है, 14:44 और 37 करके रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद इधर मेरा काम फाइनल हो चुका है। उसके बाद अपने फ़ोटो को कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको आना है कलर्स वाले ऑप्शन में। चलिए हम कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप कलर्स वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो टेम्परेचर का ऑप्शन है जो फर्स्ट में, उसको आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है, 7 करके रख लेना है, -7। और जो नीचे आना है आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन है उसको थोड़ा सा प्लस कर लेना है। तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोटो में और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको मिक्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप मिक्स वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है अपने स्किन टोन, यानी आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने फ़ोटो में थोड़ा लाइट देने के लिए, फेस पे लाइट देने के लिए आपको लुमिनस थोड़ा सा बढ़ाना है। आप देख सकते हैं हमारे फेस पर कुछ इस प्रकार का लाइट ऐड हो चुका है। तो आपको आना है फिर से अगले कलर पे, यानी आपको आना है ऑरेंज कलर पे। तो आपको ऑरेंज कलर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ह्यू है ना, आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है। जो सेचुरेशन है आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना इतना आपको रख लेना है। उसके बाद आना आपको ग्रीन कलर पे। जैसे आप ग्रीन कलर को सिलेक्ट कीजिएगा तो इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, ह्यू को थोड़ा सा प्लस कर देना है। जो सेचुरेशन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको इतना इतना रख देना है। उसके बाद आना आपको अगले कलर पर, यानी इस कलर को सिलेक्ट करना है, जो इसका है ना सेचुरेशन को आपको माइनस की ओर कर देना है। फिर आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, ब्लू कलर के सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। ज़्यादा कीजिएगा तो आप शॉर्ट का कलर आपको थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। उसके बाद आना है अपने अगले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन में आपको माइनस की ओर कर देना है। फिर आना है आपको अगले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका भी सेचुरेशन आपको सेम माइनस की ओर कर देना है। और इस फोटो को आपको डन करना है। चलिए हम फोटो को डन करते हैं। सो दोस्तों, तो आपको डन करने के बाद आपको आना है अपने फ़ोटो को थोड़ा
कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ आना है ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। तो आपको ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ शैडो का ऑप्शन खुल जाएगा, शैडो का। तो आपको करना क्या है, जो इस बिंदु को आपको इधर की साइड लाना है। इधर की साइड लाने के बाद आपको शैडो देखना है हमारे फोटो में, शैडो किधर है। तो शैडो पार्ट मेरे फोटो में इधर है, तो आपको इस कलर को रख लेना है। उसके बाद आपको साइड करके आना है यहाँ हाईलाइट वाले ऑप्शन पे। इस बिंदु को आपको टैप करना है। टैप करते हैं यहाँ आपको नीचे की साइड हाईलाइट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस बिंदु को आपको आना है ब्लू की ओर रख देना है। देख सकते हैं हमारा आसमान थोड़ा नीला करके हो गया है, और आपको थोड़ा इधर की ओर करना है ताकि मेरा स्काई जो है और थोड़ा ब्लू हो सके। तो फाइनली दोस्तों हमारा स्काई ब्लू हो चुका है। तो आपको लास्ट वाले कलर पे क्लिक करना है, आपको ग्लोबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए आपका ग्लोबल का ऑप्शन खुल चुका है। तो आपको सेम प्रोसेस इसमें भी आपको सेम प्रोसेस ही करना है, आपको इतना करके रख लेना है। देख सकते हैं आपको इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। जैसे भी आप कर लीजिएगा तो हमारा कलर ग्रेडिंग का काम डन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने फोटो को डन करना है। डन करने के बाद आपको करना क्या, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो अपने फ़ोटो में थोड़ा शार्पनेस ऐड करने के लिए यानी अपने फेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए आपको आना इफेक्ट वाले ऑप्शन। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो आप देख सकते हैं टेक्सचर क्वालिटी DH और विगनेट की वैल्यू को आपको थोड़ा थोड़ा माइनस और प्लस की ओर करना है। चलिए हम जैसे करते हैं आपको वैसा ही करना है। तो आपको थोड़ा सा टेक्सचर को थोड़ा सा प्लस करना है, 12 पर को रख लेना है। जो क्वालिटी का ऑप्शन इसको आपको थोड़ा सा भी इसको आपको प्लस 11 करके रख लेना है। और जो DH का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस की ओर कर देना है। जो विगनेट का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है ताकि हमारा फोटो में साइड साइड से माइनस आ सके, यानी आपको फोटो में साइड साइड से थोड़ा प्लस ब्लैक स्पॉट ऐड हो सके। उसके बाद आना आपको शार्पनेस वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वो क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो फर्स्ट में शार्पनेस का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। उसके बाद आना आपको स्क्रॉल करके लास्ट की साइड को आना है, और जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको थोड़ा सा प्लस करना है। बस आपको 7 करके रख लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा 7 हो चुका है। उसके बाद जो डिटेल स्मूथनेस का ऑप्शन है आपको दोनों को प्लस पूरा 100 की ओर कर देना है। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बता रहे हैं आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको आना लास्ट वाले ऑप्शन पे, आना है आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं जो दोनों ऑफ है ना, इस दोनों को आपको ऑन कर देना है। चलिए हम ऑन कर देते हैं। आपको यहाँ ऐसे करके आपको दोनों को ऑन कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार का बनकर रेडी हो चुका है। और इस फोटो को आपको यहाँ से गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको गैलरी में सेव करने के लिए आपको सेव कॉपी टू डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका फोटो डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो हमारा फोटो बनकर रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ब्लू टोन फोटो एडिटिंग। तो मेरे दोस्तों फाइनली हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस, तो हम आपसे मिलेंगे एक और ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ।